सोनी जी की नथियों के पास वाली सड़क और साथ में आपने गंज थाने से लेकर के आगरा घाट के आगरा गेट का जो सड़क है उसके निर्माण के लिए लगभग 14 लाख की लागत से आज सड़क निर्माण का काम का श्री गणेश किया है। सोनी जी की नथियों के पास वाली सड़क और साथ में आपने गंज थाने से लेकर के आगरा घाट के आगरा गेट का जो सड़क है उसके निर्माण के लिए लगभग 14 लाख की लागत से आज सड़क निर्माण का काम का श्री गणेश किया है। ये सड़क का शहर का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर नियमित रूप से हजारों लोगों का आवागमन रहता है। सड़क काफ़ी समय से टूटी हुई है, कई जगह खड्डे भी हैं। इसके निर्माण के लगातार पार्षद और कार्यकर्ता आग्रह करते रहे और आज विधायक कोष से ये 14 लाख रुपए की लागत से इसका श्री गणेश हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये बनकर के तैयार होगी, जिससे इस क्षेत्र के जनता को तो राहत मिलेगी और साथ में व्यापारी वर्ग यहाँ दुकानें हैं वहाँ पे भी आने जाने वाले सामान खरीदने वाले काफ़ी लोग आते हैं, उनको भी सुविधा उपलब्ध होगी और ये विकास के काम जो शुरू हुए हैं मैं तो लगातार ये जारी रहेंगे। इसमें कहीं भी कोई धन की कमी हम लोग नहीं आने देंगे। पिछले दिनों से जब से नई सरकार बनी है और तब से लेकर के अजमेर में कम से कम उत्तर में नियमित रूप से इस तरह के कामों का उद्घाटन भी हो रहा है, शिलान्यास भी हो रहा है, लोकार्पण भी हो रहा है और शहर की जो बड़ी समस्याएं हैं उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जब पानी की समस्या कई जगह पहले की तुलना में काफ़ी ठीक होनी शुरू हुई है, साइंस पार्क का निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है, तेलंगाना हाउस को निरस्त हुआ, ऐसे मिला करके लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं कि अजमेर वापस अपना पुनः गौरव पा सके, इसके अंकित संकल्प हैं। मुझे आशा है कि सारी जनता का सहयोग और समर्थन से हम आगे बढ़ेंगे और हमेशा सनातन वालों का सहयोग देते हुए आगामी 2-3 माह में जो अवसर आने वाले हैं उसमें भी एक राष्ट्रवादी सोच का लोग समर्थन करेंगे। मैं एक बार बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूँ।